हेलो गाइस, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, उससे मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप नया बाइक टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेने जा रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ पैसा गारंटीड सेव होगा। होता क्या है, अगर आप टू व्हीलर लेने जा रहे हो तो आपका अराउंड 2 to 3 thousand सेव होगा, और अगर आप फोर व्हीलर लेने जा रहे हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 10 to 15 thousand सेव होगा। ये एक तरह से स्कैम बोल सकते हो, जो शोरूम वाले कस्टमर्स जो जिन्हें पता नहीं रहता उनका फ़ायदा उठाते हैं। बिफोर मैं कुछ डिस्क्लोज करूं, जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं, और ये दो शोरूम में मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, एक होंडा शोरूम और दूसरा एक केटीएम शोरूम। जो अभी मैंने नया बाइक लिया है केटीएम, उसमें भी ये प्रॉब्लम था, तो वो अलग बात है। बाद में मैंने कंप्लेन कहाँ किया, कैसे किया, वो मैं सब बताऊंगा, जिसकी वजह से मेरा पैसा आ गया। होंडा शोरूम वालों मैंने तो मुझे 2,300 रुपये कुछ रिटर्न किया था, और KTM शोरूम वालों ने भी मेरा अराउंड 2,155 रुपीज़ उन्होंने रिटर्न किया। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, चाहे वो टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, आपका गारंटीड है आपका पैसा रिटर्न मिलेगा। और फोर व्हीलर में तो बहुत ही ज़्यादा लूटते हैं, कम से कम 10 to 15 thousand लूटते हैं, और इसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ। बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जो बेंगलुरु का केस है। इसमें हुआ कुछ यूँ था कि किसी ने एक व्हीकल ख़रीदा था फोर व्हीलर, उसमें उन्होंने पेमेंट किया था जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है व्हीकल का। एक आपका एक शोरूम प्राइस हो गया, दूसरा इंश्योरेंस हो गया, और तीसरा हो गया रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो जब भी आप कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी लेने जाते हो तो आपका जो व्हीकल का एक शोरूम प्राइस रहता है वो आपको तुरंत उसका रिसिप्ट मिल जाता है। नेक्स्ट हो गया जो इंश्योरेंस का रहता है, उसका भी रिसिप्ट आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन एक रिसिप्ट आपको उस टाइम में नहीं दिया जाता है। और इसका जेन्युइन रीज़न है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो शोरूम में नहीं होता है। अभी शायद कुछ नया कुछ आया है जैसे शोरूम में हो सकता है, मुझे उतना कुछ पता नहीं है। यूजुअली क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो शोरूम में नहीं होता है, वो RTO से होता है। तो इसके लिए वो तुरंत रजिस्ट्रेशन नहीं रिसिप्ट नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ दिन बाद RTO से आ जाएगा रिसिप्ट, तब ये दे देंगे। तो ऐसे ही एक केस हुआ बेंगलोर में, उन्होंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप पूरा डिटेल्स पढ़ लेना, मैं आपको जिस्ट बताता हूँ कि कहाँ पे ये घोटाला होता है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया था 80,428 रुपीज़ ड्यूरिंग परचेज। जब उन्होंने परचेज किए करने गए थे तो शी पेड अराउंड 80,428 रुपीज़। अब ये इन द नेम ऑफ रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर ने लिया था। फिर कुछ दिन बाद जब इसका रिसिप्ट आया RTO से, क्योंकि डीलर आपको इसका रिसिप्ट जरूर देता है जब नंबर प्लेट देता है, उस टाइम में देखा गया कि इन्होंने नोटिस किया कि रिसिप्ट जो है RTO से आया उसमें प्राइस लिखा हुआ है 61,796 फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्स, इसके लिए लिया गया है। तो देखिए कितना बड़ा एक गैप है, 80,428 रुपीज़ डीलर ने लिया था इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्स, और जब रिसिप्ट मिला, गवर्नमेंट का रिसिप्ट मिला RTO से, तब उसका आया 61,796 रुपीज़। तो जब ये जो कस्टमर था उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ एक कुछ गड़बड़ी है, इन्होंने जब शोरूम से कांटेक्ट किया, उससे बोल बात किया कि ये क्यों है, आप मेरे से क्यों एक्स्ट्रा चार्जेस लिए और रिसिप्ट उतना नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि ये व्हीकल का जो हैंडलिंग एंड सर्विस चार्जेस है इसके लिए हम लेते हैं। जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया, सेम केस, डिट्टो सेम केस मैंने एक्सपीरियंस किया। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो बेंगलोर का केस है, इन्होंने कंज्यूमर फोरम में केस किया, तो बाद में कोर्ट ने इनको 1 लाख रुपए, जो भी लॉसेस है हेरासमेंट है इसके लिए, 1 लाख रुपए वो शोरूम वालों को बोले थे देने के लिए। तो बाद में दिया कि नहीं वो तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ कंज्यूमर फोरम में जज ने इनको डायरेक्ट किया था शोरूम वालों को कि जो कस्टमर है उसको 1 लाख रुपए दो ड्यू टू द मेंटल हेरासमेंट और जो भी है। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। ये जो केस है 2015 का केस है, जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अब मैं अभी आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली December 14th को मैंने KTM का एक बाइक लिया, KTM RC 200। ये मैंने लिया सिलचर असम, जूबी KTM शोरूम था। तो जब मैंने बाइक लेने गया तो वहाँ पे मेरे से लिया गया 2,03,379 रुपीज़ इन द नेम ऑफ एक्स शोरूम प्राइस, तो जिसका रिसिप्ट मुझे उसी टाइम में दे दिया गया। नेक्स्ट मुझसे लिया गया 12,375
44 मतलब 12,344 रुपीज़ फॉर इंश्योरेंस, जिसका रिसिप्ट भी उसी टाइम मिल गया, दो रिसिप्ट मुझे मिल गया। तीसरा मुझसे 8,100 रुपये लिया गया, 8,100 रुपीज़, जिसमें बोला गया कि ये आपका रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्स चार्जेस है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका रिसिप्ट हमें तुरंत नहीं मिलता है, तो इन्होंने बोला कि जैसे ही नंबर प्लेट आ जाएगा उसके साथ आपको इसका रिसिप्ट दे देंगे। तो ऑब्वियसली कोई भी बाइक लेने जाता है तो इतना समझता ही है कि तुरंत तो रिसिप्ट मिलेगा नहीं रजिस्ट्रेशन का, तो मैंने भी वेट किया। फिर पहली बात तो यार यहाँ पे सिल्चर KTM वाले बहुत ही लटकाते हैं, ये लोग तुरंत नंबर प्लेट नहीं देते हैं। मैं जब सर्विस करने गया, फर्स्ट सर्विसिंग में गया, बहुत लोगों से बात हुआ, उन्होंने बताया कि ये बहुत डिले करते हैं, 4 महीना 5 महीना डिले करते हैं। तो जो भी हो, मैंने एक दो कंप्लेंट किया कि मेरा नंबर प्लेट डिले हो रहा है, तो इन्होंने मुझे नंबर प्लेट अराउंड 2 मंथ में दे दिया, कुछ दिन पहले ही दिया अराउंड। अब ये जो वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, अराउंड 10 to 15 डेज पहले ही मुझे नंबर प्लेट दिया। जैसे ही नंबर प्लेट दिया तो उसके साथ मुझे RTO का जो रजिस्ट्रेशन उसका रिसिप्ट दिया, उसमें मैं शॉक हो गया देख के कि मेरा वहाँ पे लिखा हुआ है 5,805 रुपीज़, लेकिन मुझसे लिया गया 8,100। तो मैंने पूछा कि भाई ये डिफरेंस क्यों है, तो वो मुझे ऐसे ही कुछ जवाब दिया कि हाँ सर ये हम लेते हैं, ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। मैंने बोला नहीं, मुझे ये जो डिफरेंस अमाउंट है इसका मुझे बिल चाहिए और GST बिल चाहिए। तो वो बोला नहीं, हम इसका बिल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बस ऐसे ही मालिक को ही पता है, ये हम नहीं देते हैं, ये हम सबसे लेते हैं। मतलब उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक था यार, वो डायरेक्टली बोलते हैं नहीं देते हैं। तो मैं तो समझ गया कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। मैं आया आके KTM का कस्टमर केयर में कंप्लेन किया, बहुत कंप्लेन किया, लगभग 5-6 कंप्लेन किया। तो तुरंत एक्शन तो नहीं हुआ, KTM कस्टमर केयर वाले यही बोलते थे कि हम आपका कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, आप इस पे एक्शन लिया जाएगा, कोई कांटेक्ट करेगा। तो ये सब होने के बाद मुझे लगा कि कस्टमर केयर वाले कोई हेल्प नहीं करेंगे, द ओनली वे इज़ टू फाइल एन FIR, और मैं कंज्यूमर फोरम में नहीं जाना, मैं इसके लिए अगेंस्ट में एक FIR करने वाला था। क्योंकि आप सोचो, अगर वो अभी तक ये हर एक से वो लेते हैं, और कोई भी बंदा अगर नया बाइक लेने जाता है, नया व्हीकल लेने जाता है, पहली बात तो मैक्सिमम लोग फाइनेंस पे लेते हैं, और जब भी आप फाइनेंस में लेने जाओ तो आपको एक डर रहता है कि अगर मैं इससे बहस करूं, ज़्यादा रिसिप्ट मांगूं कि GST बिल दो, ये दो वो दो, तो ये पता नहीं मेरे मुझे बाइक ही नहीं देगा, या सॉरी क्या बोलते हो, फाइनेंस ही नहीं देगा। तो इसीलिए लोग ज़्यादा बहस नहीं करते, जो जितना बोलता है लेके चले आते हैं, और 1-2 हज़ार चल जाने दो यार, 2 लाख 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए का बाइक है, 1-2 हज़ार के लिए उतना कोई समझता नहीं है। तो ऐसे शोरूम वाले बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, आप चाहे इंश्योरेंस फाइनेंस पे लो, चाहे कैश पे लो गाड़ी लो, आपको मैं गारंटी देता हूँ ये जो भी पैसा एक्स्ट्रा लेंगे वो उस टाइम में दे के चले आओ, जब खरीदने का टाइम रहेगा उस टाइम में दे के चले आओ। बस आके क्या करना है वो मैं बता दूंगा, उसके बाद वो शोरूम वाले नहीं, उसका बाप भी आके आपको रिटर्न दे के जाएगा। ये कम्प्लीटली इलीगल है, और ये जो भी बोलते हैं कि नहीं हम शोरूम से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इसीलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है कि शोरूम वाले ही रजिस्ट्रेशन करके देंगे, और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई हैंडलिंग, कोई चार्जेस, रजिस्ट्रेशन डिफरेंस चार्जेस कुछ नहीं हो सकता है। और सेम चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया होंडा में भी, ये मैं 2018 का एंड का बात बता रहा हूँ। उस टाइम में मैं घर के लिए एक स्कूटी लेने गया था, उस टाइम में भी ये बंदे ने मुझसे बोला था कि ये त्रिपुरा का मैटर है, अभी मैं सिलचर में हूँ, जो KTM लिया हूँ ये सिलचर शोरूम से लिया हूँ असम से, और त्रिपुरा का मैटर है जब मैंने स्कूटी लेने गया था, तो वहाँ पे भी ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो वो बंदा वहाँ का शोरूम का जो ओनर है वो मुझे बोला कि क्योंकि हम आपका बाइक अगरतला, हमारा कैपिटल है अगरतला से ये कुमारघाट ला के दे रहे हैं, कुमारघाट और एक सिटी है, और वो शोरूम वाले जो ओनर था वो मुझे समझाया कि क्योंकि हम अगरतला से ला के दे रहे हैं आपको कुमारघाट में, जो नॉर्मल एक स्कूटी था, कोई हाई एंड बाइक नहीं था, तो उसने बोला कि मुझे 500 रुपये इसका कैरिंग चार्जेस हम हर कस्टमर से लेते हैं, क्योंकि हम आपका बाइक यहाँ तक ला के दे रहे हैं, स्कूटी यहाँ पर ला के दे रहे हैं। जबकि मैं उसका शोरूम वहीं पे था, मैं उसका शोरूम में ही लेने गया था, ऐसा कोई नहीं है कि मैंने पहले कोई बुक किया था, कोई अलग से स्कूटी मंगवाया हूँ, उसका शोरूम में उस टाइम में एग्जिस्टेड जो स्कूटी था उसी में से मैंने एक सिलेक्ट किया, होंडा DO था, और फाइनेंस पे लिया था।
तो जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंस पे आप जब लेने जाओ तो उतना बहस करते नहीं हो, क्योंकि आपको एक डर रहता है कि क्या पता ये फाइनेंस ना दे, जो भी है कुछ डर तो रहता ही है। क्योंकि व्हीकल लेने जाना, आप बहुत दिनों से सोचते हो कि चलो एक आज व्हीकल लेने जाते हैं, उस दिन आपको अगर मना कर दिया जाए तो एक होता है ना। तो मैंने भी उससे थोड़ा बहुत बहस किया कि सर आप मुझे इसका रिसिप्ट दे दो, जीएसटी बिल दे दो। तो वो बोल रहे नहीं, इसका हम जीएसटी बिल नहीं देते हैं। तो 500 रुपये ऐसा था और कुछ इधर उधर करके वो अराउंड 2,300 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ले रहा था, जो मैं समझा कि इतना ले रहा था। तो मैं उससे समझाया कि ये आप ऐसा नहीं ले सकते, ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस आप बिना बिल का आप नहीं ले सकते, ये इलीगल है। लेकिन वो नहीं माना, वो मुझे बहुत बहुत बहस किया। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाला है। मैं चुपचाप बाइक लिया, स्कूटी लिया और घर आ गया। आके मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया होंडा का। आई रियली रिस्पेक्ट कि उनका कस्टमर केयर एक दिन में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया था। KTM वालों की तरह नहीं, जो इतना प्रीमियम बाइक होने के बाद भी अराउंड 10-15 डेज लगा इनको मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो होंडा वालों ने क्या किया, जैसे ही मैंने कॉल किया, दूसरे दिन इनका जो सीनियर मैनेजर है कैपिटल, जो हमारा अगरतला है, वहाँ से कॉल आया मुझे कि ऐसा ऐसा आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मैंने बोला हाँ हुआ है, मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया। उसके 10-15 मिनट में जो डीलर मुझसे पहले दिन बहस कर रहा था कि नहीं हम लोग ऐसा इसका रिसिप्ट नहीं देते हैं, जिसने मेरे से 2,300 रुपये ज़्यादा लिया था, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने वो उसका टोन ही अलग था। वो बोल रहा है दादा आप क्यों ऐसा कंप्लेन कर दिए, हम मिल के सॉल्व कर लेते हैं, आप आइए, आपका जो पैसा अगर हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे। हम बोले अगर हुआ क्या, ज़रूर होगा, आपको रिटर्न करना ही है। तो ऐसे करके बाद में उस बंदे ने थोड़ा और घुमाया था, तो बाद में और एक कंप्लेन में कर दिया था। तो वो अगरतला का जो सीनियर मैनेजर था, वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया फिर से और उसने तुरंत उसका रिफंड करवा दिया। तो जो भी है, मतलब जिस्ट यही है कि अगर आपका कोई किसी ने भी कोई भी आप अगर नए स्कूटी लेने जा रहे हो, नया कार लेने जा रहे हो, तो आप सिंपली अगर इनिशियली जो भी आपसे पैसा लिया जाता है, आप उसका जीएसटी बिल मांगो। और अगर आपको जीएसटी बिल नहीं देता है तो पहली बात तो अगर आप इंश्योरेंस पर लेने जा रहे हो तो मैं भी सजेस्ट करूंगा ज़्यादा बहस मत करो। एक दो बार बोलो कि जो भी आप पैसा ले रहे हो मुझे उसका जीएसटी बिल दे दो, क्योंकि वो आपसे तीन ही चीज़ का पैसा ले सकता है। एक जो गाड़ी का एक शोरूम प्राइस रहता है, दूसरा जो गाड़ी का इंश्योरेंस प्राइस रहता है, तीसरा जो रजिस्ट्रेशन। तो दो रिसिप्ट के, जैसे कि मैंने पहले बताया, दो रिसिप्ट वो तुरंत दे देगा, गाड़ी का एक शोरूम प्राइस और इंश्योरेंस तुरंत दे देगा, और रजिस्ट्रेशन का बाद में देगा। बस यही तीन चीज़ का पैसा लेता है और कुछ नहीं। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा कोई एक्सेसरीज लगाते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जो स्टॉक व्हीकल डिफॉल्ट व्हीकल रहता है वो स्टॉक मॉडल अगर आप ले रहे हो, जो भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ एक्सेसरीज के अलावा, अगर आप सिंपल जो बाइक बेच रहे हैं वही बाइक को ले रहे हो, या कोई भी व्हीकल 2-व्हीलर 4-व्हीलर ले रहे हो, तो वो ये तीन ही चीज़ का पैसा आपसे ले सकता है और कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं ले सकता है, एक पैसा नहीं ले सकता है, याद रखना। और मान लो अगर आप लेने गए हो, वो बोल रहा है, आप उससे एक दो बार बोलना कि मुझे जो भी आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, मुझे लग रहा है ये आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, इसका जीएसटी बिल आप मुझे नहीं दे रहे हो। अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन का जीएसटी बिल जो भी बिल है वो आपको तुरंत नहीं देगा, क्योंकि वो आरटीओ से आता है। तो अगर आपको ये तीन चीज़ों को छोड़ कर लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हो, ले रहा है वो शोरूम वाला, आप उसको बोलिए मुझे जीएसटी बिल दो। जीएसटी बिल बोलना है, क्योंकि अगर सिर्फ बिल बोलोगे तो क्या पता वो पैड में लिख के दे दे, जो फिर गलत है। तो उसको बोलना है कि मुझे जो भी आप मेरे से पैसा ले रहे हो, उसका एक एक पैसा का मुझे जीएसटी बिल चाहिए। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है तो वो वहीं रुक जाएगा, अगर वो समझदार होगा। अगर नहीं रुकता है फिर भी आपसे बोलता है कि नहीं ये मैं सब कस्टमर से लेता हूँ, ये आपको देना ही होगा, वरना इसके बिना मैं बाइक या जो भी 4-व्हीलर है कार है नहीं बेच सकता, तो सिंपल आप उसको दे के चले आओ, वहाँ ज़्यादा बहस नहीं करना, दे के चले आओ। बस जब भी आप पेमेंट करो उसका एक प्रूफ रखो, चाहे आप अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो उसका एक वीडियो बना लो, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तब तो आपके पास प्रूफ रहेगा, और अगर आप फाइनेंस से पेमेंट कर रहे हो तो भी आपके पास प्रूफ रहेगा। उतना ज़रूरी नहीं होता है प्रूफ। मुझे दो शोरूम में, होंडा और KTM दोनों में ये प्रॉब्लम फेस हुआ, कहीं पे मुझसे प्रूफ नहीं मांगा गया कि आपने कितना पेमेंट किया था, क्या किया था, इसका प्रूफ दीजिए, कहीं पे प्रूफ नहीं मांगा गया। लेकिन हाँ, कभी अगर बाई चांस ज़रूरत पड़ा तो इसके लिए, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो एक वीडियो रख लो,
और अगर नहीं कर रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे हो तब तो टेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर मान लो आप भूल गए हो, आप अभी अभी बाइक खरीद लिए हो, इस कार खरीद लिए हो और आप भूल गए हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है पेमेंट का, आप टेंशन मत लो। कस्टमर केयर वाले कभी नहीं मांगते हैं, ये जो बाइक का कंपनी वाले कभी नहीं मांगते हैं आपसे प्रूफ। ये प्रूफ ही है कि आपने आपके पास बाइक है, इसका मतलब ये है कि उस आपने पैसा दिया है। और जो शोरूम वाले अगर आपसे इलीगली पैसा लिए हैं ना, उन्हें पता है ये, अगर वो डिनाई करेंगे वो खुद फंसेंगे। तो अगर आप बाइक खरीद लिए हो, कार खरीद लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 महीना भी हो गया है, 2 महीना भी हो गया, 6 महीना भी हो गया, कोई टेंशन नहीं है, 1 साल भी हो गया, आप सिंपल उस पर्टिकुलर ब्रांड का कस्टमर केयर में कॉल करो। कॉल करके बताओ कि सर मैंने इस टाइम इस दिन को ये व्हीकल लिया था, इस चीज़ का मुझे रिसिप्ट मिला है और ये जो अमाउंट है इसका डिफरेंस है, ये इसका मुझे रिसिप्ट नहीं मिला है, मुझे GST बिल नहीं मिला है, मुझे लगता है ये एक स्कैम है, मुझसे ज़्यादा पैसा लेगा, मुझे ये पैसा रिटर्न चाहिए। चाहे कोई भी शोरूम हो, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी व्हीकल हो, वो आपको वो पैसा रिटर्न करेगा। और कस्टमर केयर वाले यूजुअली बहुत, मतलब वो ये सब में नहीं फंसते हैं, इवन कंपनी वाले ये सब में नहीं फंसते हैं, वो अगर ऐसा कोई इश्यूज आता है वो रिजॉल्व कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे मेरे KTM में टाइम लगा, मुझे कम से कम 5-6 कंप्लेंट फाइल करना पड़ा, उनको प्रोसेस करने में अराउंड 1 वीक 10 डेज टाइम लगा। होंडा में मेरा 1 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो ऐसे ही डिपेंड करता है खुद का कस्टमर केयर वाले कितना एक्टिव है और जो कंप्लेंट फॉरवर्ड होता है वो कितना जल्दी रिजॉल्व होता है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप नया कोई व्हीकल या नया कोई भी व्हीकल, चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी लेने जा रहे हो, आप उसका रिसिप्ट मांगो। अगर बंदा नहीं देता है, शोरूम वाला कुछ भी बहस करता है, मत करो बहस, चुपचाप आ जाओ, आके सिंपल उसका कस्टमर केयर में कॉल करो। अगर बाई चांस कस्टमर केयर वाले नहीं सुनते हैं, सिंपल है, आप नेट में सर्च करो, उसका हायर अथॉरिटी का उनका जो कुछ ना कुछ ईमेल आईडी जरूर मिलता है। ये सब करने की जरूरत नहीं होता है, कस्टमर केयर इज मोर देन सफिशियंट। मेरा तो कस्टमर केयर वाले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। अगर उसके बाद भी आपसे नहीं होता है तो आप सिंपल उसका कंपनी का जो ईमेल से, आप गूगल में सर्च मारो, आपको ईमेल मिल जाएंगे हायर अथॉरिटीज का, उनमें मेल कर दो। अब मैं बताता हूँ मेरा कैसे मैंने सॉल्व किया। तो जैसे ही इस बंदे ने मेरे से, पहली बात तो यार, जब मैं लेने गया तभी मुझसे एक्स्ट्रा मांगा था, 800 रुपये एक्स्ट्रा मांगा था, बोला था रजिस्ट्रेशन डिफरेंस चार्ज नाम का कुछ चार्ज बोल रहा था, 800 रुपये। मैंने बोला मुझे इसका GST बिल दो। तो ये बंदा लटक गया, बोल रहा है कि नहीं इसका तो बिल नहीं दे सकते। तो बोला बिल नहीं दोगे तो हम कंप्लेन कर देंगे। तो इसने क्या किया, जो ब्रोकर था तो उसको फ़ोन लगाया, जो ये सब काम कराता है RTO में, वो मुझे समझा रहा है, ब्रोकर मुझे अब समझा रहा है कि नहीं सर ये आपको देना पड़ता है, ये रजिस्ट्रेशन डिफरेंस चार्जेस होता है, इसका हम कोई रिसिप्ट नहीं देते हैं। मैं उसको बोला यार मैं तुम्हारे पास गाड़ी खरीदने ले आया हूँ, मैं ये जो ब्रांड है KTM के पास आया हूँ, आप एक सिर्फ डीलर हो बीच में, अगर मुझसे आप 1 रुपये भी लेते हो तो आप मुझे उसका रिसिप्ट दो, और अगर नहीं दोगे तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। आप मुझसे 800 रुपये बोल रहे हो रजिस्ट्रेशन डिफरेंस चार्जेस नाम का, तो मैं 800 नहीं 8,000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे रिसिप्ट नहीं मिला मैं कंप्लेन कर दूंगा। तो वो बंदा थोड़ी देर बाद बहस करने के बाद बोल रहा ठीक है सर हम आपको 400 रुपये का डिस्काउंट देते हैं। तो मैं समझ गया ये तो पूरा ही घोटाला है, जबकि मुझे पता था कि घोटाला है, लेकिन जैसे ही बोला 400 रुपये डिस्काउंट है वो तो और कन्फर्म हो गया कि पूरा घोटाला है। तो सामने जो स्टाफ बैठा हुआ था शोरूम वाला, तो उसको समझ में आ गया कि इसके पास दाल नहीं गलने वाला है। तो उसने बोला ठीक है सर हम आपसे नहीं लेंगे, 800 रुपये नहीं चाहिए। तो 800 रुपये का प्रॉब्लम तो खत्म हुआ, लेकिन इसने मुझे रजिस्ट्रेशन में चूना लगा दिया था। तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट मुझे 1-2 महीना बाद मिला, तो जैसे ही मुझे मिला मैंने देखा कि मेरे से रजिस्ट्रेशन का लिया था 8,100 और इसका रिसिप्ट में आया 5,805 रुपये। तो मैंने उससे बात किया शोरूम वाले से कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे इसका बिल चाहिए। तो वो बोला कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने उसको मैंने बोला कि मैं इसके लिए FIR कर दूंगा। तो और मैं सही में करने वाला था, मैं पूरा एप्लीकेशन वगैरह लिख लिया था कि मैं उसको FIR करता और ये बोल के करता कि ये बंदे ने पिछले कम से कम कई सालों से लोगों को लूटा है। आप सोचो अगर 100 व्हीकल्स भी बेचा है और हर व्हीकल में अराउंड 2,000 करके भी निकाला है, तो आप सोचो कितना है बड़ा अमाउंट इसने लूटा है। तो मैं वो सब सोच के मैं सोचा इसके अगेंस्ट FIR करता हूँ कंज्यूमर फोरम में। तो मैं जाने के बाद में सोच रहा था, पहले इसके बारे में FIR करता कि ये लोगों से लूटा है और ये पैसा का इसने टैक्स नहीं दिया है, बड़ा बात वहाँ पे। तो ऐसा करके FIR करने वाला था। तो मैं सोचा एक बार मालिक से बात कर लूँ, क्योंकि वो शोरूम जिससे मैंने बाइक लिया था वो शोरूम का स्टाफ था, ओनर था नहीं वहाँ पे। तो
तो मैं स्टाफ को बोला कि देखो दादा, मैं जा रहा हूँ FIR करने, तो उससे पहले बस मैं एक बार ओनर से बात करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही ये बोला, वो बंदा समझ गया कि थोड़ा दिक्कत है, तो बोला सर रुक जाइए, आप FIR मत कीजिए, हम आपका मालिक से बात कराते हैं। तो उसका मालिक मुझे शाम को इवनिंग में कॉल किया, कॉल करके वो समझा रहा है कि देखिए सर, ये हमें लेना पड़ता है क्योंकि हम आपका रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हैं। तो कुछ वैसे ही घुमा रहा था वो, उतना में वो अनऑफिशियल कुछ बात बोल रहा था कि मतलब है कुछ कि चार्जेस वगैरह देना पड़ता है यहाँ वहाँ। तो मैं वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ, जो भी है वो मुझे समझा रहा था। तो फाइनली मैं उसको यही बोला कि नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो उसने बोला ठीक है सर, आप, ये बात मेरा हो रहा था अराउंड थर्सडे को, तो उसने बोला ठीक है सर, आप आइए शोरूम में, मैं आपसे मिल के बात करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मंडे को आता हूँ। और लकीली जिस दिन मैं मंडे को जा रहा था शोरूम में, ऑन द वे था उसी टाइम एक फ़ोन आया। फ़ोन कहाँ से आया, इनका गुवाहाटी का जो हेड है, असम का जो हेड है, कुछ असिस्टेंट मैनेजर या कुछ भी है, उनका फ़ोन आया मुझे। मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं रिसीव किया, रिसीव करके बाइक रोक के रिसीव किया, रिसीव करके मैं बात किया। तो फाइनली वो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ कंप्लेन आया है, आप किए हैं कंप्लेन। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, फाइनली आप लोगों ने कांटेक्ट किया तो थैंक यू। और मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया, तो बोले ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए अभी शोरूम, मैं आपका प्रॉब्लम आज विद इन 1 or 2 आवर में सॉल्व कर दूंगा, आप जाके बस एक बार मुझे फ़ोन कीजिए शोरूम में, मैं आपका प्रॉब्लम आज एट एनी कॉस्ट सॉल्व कर दूंगा। मेरा बाइक में भी थोड़ा बहुत इश्यूज़ था, थोड़ा ट्यूनिंग का प्रॉब्लम था, तो वो भी सॉल्व हो गया। लेकिन जो बड़ा बात चीज़ है, जो पैसों का मैटर है, तो मैं गया शोरूम, शोरूम जाके उसको फ़ोन किया, जो मैं सीनियर मैनेजर जो फ़ोन किया, कांटेक्ट किया था गुवाहाटी गुवाहाटी से, जो इस उनका असम का KTM का जो भी है ऐसे में, तो इनसे बात करा। जैसे बात करा, इनको समझ में आ गया कि भाई पैसा तो रिटर्न करना होगा। और थोड़ी देर बाद मेरा वहाँ सर्विसिंग का थोड़ा बहुत कुछ था, काम था, मैंने किया। उसके बाद मालिक आया शोरूम का, वो मुझे फिर से समझा रहा है कि दादा देखिए, ये 20-25 हज़ार का बात रहता है तो ठीक है, ये 2,000 रुपये का बात है, ये आपका ज़्यादा हो गया, कम हो गया, मेरा ये सब करके कोई फायदा। मैं उसको बोला भाई देख, तुम्हारे लिए 2,000 रुपये मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है, मैं क्योंकि गाड़ी कैश में लिया हूँ, कोई फाइनेंस भी नहीं लिया हूँ, मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मुझे 2,000 रुपये चाहिए एट एनी कॉस्ट, बाई हुक और बाई क्रुक। तो वो समझ गया, वो बोला ठीक है दादा, मैं अपना लॉस करके दे रहा हूँ, मैं वो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका कंपनी से बात की, आप अगर आपका लॉस हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो आप कंपनी से बात कीजिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। फाइनली उसने मुझे कुछ 8,100 लिया था इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन, 5,805 रुपये का मुझे वो नंबर प्लेट जब दिया था तब रिसिप्ट दिया था, और 140 रुपीज़ चाहिए होता है, जो आपका RC बुक स्मार्ट कार्ड जो अप्लाई होता है उसके लिए 140 रुपीज़ चाहिए। तो ये सब डिडक्ट करके वो मुझे 2,155 रुपीज़ ऑन द स्पॉट रिटर्न कर दिए। तो मैं इसलिए आपको शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये लगभग हर शोरूम वाले, इवन जो KTM का जो ओनर था ना, वो मुझे बोला कि मैं कुछ दिन पहले कार लिया, वो KTM का शोरूम का जो ओनर है उसने कुछ दिन पहले कार लिया, उसने भी ऐसे ही पेमेंट किया। तो मैंने उसको बोला कि वो मेरा देखने की जरूरत नहीं, वो आपका, आप जाके कंप्लेन करो, आपको पैसा मिल जाएगा, आपका मन है आप दो। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, सारे शोरूम वाले ये धंधा करते हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम अगर कभी बाइक खरीदने जाओ, कोई भी व्हीकल खरीदने जाओ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, या अगर आप अभी भी खरीद भी लिए हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप इसके लिए एक्शन लो। सिंपल, उनके कस्टमर केयर में कॉल करना है यार, और कुछ नहीं करना है। जैसे ही कस्टमर केयर में कॉल करोगे, कॉल करके ये बताओ कि मुझे लग रहा है कि इन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसा लिया है, आप मुझे इसका जस्टिफिकेशन दीजिए, या फिर मैं कंज्यूमर फोरम में केस करूँगा। इतना बोलते ही वो हिल जाते हैं, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें ये सबको पता है वो इल्लीगल है। सो यही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, और 2 शोरूम में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, शायद आप लोगों को भी कुछ पैसा सेव हो जाए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ अगर आप नहीं खरीद रहे हो नया बाइक, या आप नहीं खरीद रहे हो, तो इसको शेयर जरूर करना वीडियो, कोई ना कोई शायद खरीदने वाला है या खरीद लिया है, उसको हेल्प करेगा ये वीडियो, जरूर हेल्प करेगा। और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।